नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ सत्ता के लिए जाने जाते हैं, चाहे बेटियों के बलात्कार पर हो, चाहे आम लोगों के कत्ल पर। ये नेता कोई भी, और खास तौर पर बीजेपी के और मणिपुर का ये दोनों व्यक्ति, छी 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 छी, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठा करके अविलंब 3 महीने के अंदर सबको फांसी की सजा मिली है। जो सरकार खुद दोषी हो, जिसने मरने और बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया हो, उससे न्याय की उम्मीद कैसे? देश में नारी को पूजा जाता हो और लगातार निर्भया के पहले जिस निर्भया की घटना पर जिसकी सरकार बनी, जिस नेताओं के चार चरित्र से पोर्न से लेकर के सेक्स का वीडियो वायरल हो, नेताओं का कोई चरित्र ना हो और बलात्कार जैसी घटना नॉर्मल बना दिया जाए, ऐसे पीएम और सीएम को रहने की जरूरत नहीं है, रिजाइन करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब एक सर्वे आया था नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच, जिसमें 53% लोगों ने महात्मा गांधी को लाइक किया और 47% नाथूराम गोडसे, हम उस वक्त भी गए थे कि देश की मानसिकता और विचारधारा मृत हो चुकी है, क्या संभव है राजनीति अब अच्छे लोग करेंगे? दोबारा जब आजाद हिंदुस्तान में 3 महीने से घटना घटित हो, ना तो देश के पीएम कभी कुछ बोलते हो, ना तो हम गृह मंत्री बोलता हो, ना ट्वीट करता हो, 150 से ऊपर लोग मर चुके हों, एक दूसरे के घर में एक दूसरे कौम लगातार खत्म करने की तैयारी मणिपुर में हो, मणिपुर रक्त रंजित हो गया हो, रक्तपात हो गया हो, मणिपुर रक्त चरित्र जैसी चीजें आम बन गई हो, और उसके बाद देश का पीएम भी मस्त, सीएम भी मस्त, और वहां की पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। 17 दिनों के बाद जिस तरीके से कल रात में वीडियो वायरल हुआ, सैकड़ों सैकड़ों लोग दो अलग समुदाय के बच्ची के साथ नंगे करके 3 घंटे तक लगातार प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करना, उसके इंटरनल कोर्स करना हाथ से, और जिस तरीके से उस बेटियों के साथ मां के साथ किया गया, दुनिया के में आज तक ऐसी घटना मैंने नहीं देखी। यदि ये वीडियो वायरल नहीं होता तो वहां के सबसे निर्दयी और निर्मम उस मुख्यमंत्री को 1 दिन भी जीने का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो नोटिस के बाद वहां का मुख्यमंत्री कहता है एक घटना नहीं घटी है, सैकड़ों घटना घट चुकी है, क्या उसको चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्या ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अविलंब सख्त नहीं कर देना चाहिए, उस पर बलात्कार के केस लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके संरक्षण में बलात्कार किया गया, और वो खुद स्वीकार करता है कि एक नहीं सैकड़ों हुए हैं, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हिंदुस्तान का पीएम मणिपुर का नाम लिया, और वो भी यह कहने में कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला, कानून का मामला। कभी उनके लिए दिल्ली के पर बैठी 3 महीना की बेटियां अपनी भीख मांगती रही, रेप की, एक बार नहीं बोले, और अब कहता है इतने निर्मम सामूहिक बलात्कार किए गए उस बेटियों का, हजारों भीड़ के सामने सामूहिक बलात्कार हुआ। आजाद हिंदुस्तान के सैकड़ों साल के नजदीक हम जा चुके हैं, कब यह कानून बनाएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष? ये हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हो किसी के परिवार और घर की बेटी और मां को देखने की। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठा करके अविलंब 3 महीने के अंदर सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो सरकार खुद दोषी हो,
जिसने मरने और बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया हो, उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और जो पीएम खुद कहता हो कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के से कहता हो कि सब लोग बलात्कार के सवाल पर आप लोग सजग होइए। सही किसी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी आप सिर्फ सत्ता के लिए जाने जाते हैं, चाहे बेटियों के बलात्कार पर हो चाहे आम लोगों के कत्ल पर। ये नेता कोई भी, और खास तौर पर बीजेपी के और मणिपुर का ये दोनों व्यक्ति, छी 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 छी, मैं ऐसे सवालों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ हूं। क्या हम लोग जैसे लोगों को करना चाहिए कि नहीं राजनीति? जिस देश में नारी को पूजा जाता हो और लगातार निर्भया के पहले जिस निर्भया की घटना पर जिसकी सरकार बनी, जिस नेताओं के चार चरित्र से पोर्न से लेकर के सेक्स का वीडियो वायरल हो, नेताओं का कोई चरित्र ना हो और बलात्कार जैसी घटना नॉर्मल बना दिया जाए, ऐसे पीएम और सीएम को रहने की जरूरत नहीं है। रिजाइन करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और सर्वोच्च न्यायालय को यह सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहिए था कि बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, आपने सुरक्षा पर भरोसा दिया था, 3 महीने के अंदर एक बार भी आपने ना ट्वीट किया और ना ही आप वहां जाने का प्रयास किया। इसीलिए यह सवाल मणिपुर का नहीं है, यह सवाल साउथ और नॉर्थ का नहीं है, यह सवाल हिंदी पट्टी का नहीं है, यह सवाल दुनिया के बेटियों का है, यह सवाल हिंदुस्तान की मां और बेटियों का है। यदि आज हिंदुस्तान चुप रहती है तो आने वाला समय में किसी भी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं होगी। निकलना होगा हिंदुस्तान की मां और बहनों को इस सवाल को लेकर।